हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज मैं आपको बहुत ही मीठे और खूबसूरत फल की जानकारी दे रहा हूँ। सीताफल बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और अगस्त से नवंबर के आसपास पुष्प और फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये सारे भारत में उत्पन्न होते हैं। संस्कृत नाम सीताफल है और मराठी में भी इसे सीताफल से ही जानते हैं। हिंदी में सीताफल और शरीफा से पहचानते हैं। फारसी नाम काज है और बंगाली में आता कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम शुगर फल है और वानस्पतिक नाम एनोना स्क्वामोसा है। सीताफल बहुत शीतल होता है। आयुर्वेद के अनुसार सीताफल पित्तशामक, तृषानाशक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, बलवर्धक, रक्तवर्धक और वात दोष शामक है और हृदय के लिए बहुत ही हितकारी है। सीताफल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सीताफल में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां दूर रहती है और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। जिसके शरीर में गर्मी रहती हो, दाह रहता हो, इन लोगों को सीताफल के नित्य सेवन करने से शरीर की दाह मिट जाती है और शीतलता प्राप्त होती है। सीताफल का सेवन आँखों के लिए बहुत ही हितकारी है। इसके नित्य सेवन करने से आँखों की रोशनी अत्यधिक बढ़ जाती है। सीताफल के जो काले रंग के बीज होते हैं, इन बीजों को इकट्ठा करके इसका बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप तैयार करें। इस लेप को बालों की जड़ों में मलने से बाल का गंजापन दूर होता है, बाल मजबूत बनते हैं, बाल नए उग आते हैं और गंजापन दूर होता है। इसके अलावा इसके बीजों को पानी के साथ पीसकर इसका लेप बनाए और रात को सोते समय इस लेप को बालों में लगाए और कपड़ा ढक दे। सुबह उठकर बालों को धो डाले। इस प्रकार तीन रात करने से बालों में जो जुएं होती है ये मर जाती है। सीताफल को काटकर टुकड़ा करके इसको छांव में सुखा दे और सूखने के बाद इसको पीसकर इसका सेवन करें। सीताफल का इस प्रकार सेवन करने से डायरिया और अतिसार मिट जाता है। इसके अलावा सीताफल के फलों को नित्य खाने में इस्तेमाल करने से शरीर का वजन बढ़ना बंद हो जाता है। इसके नित्य सेवन से शरीर की थकावट और कमजोरी दूर होती है और दिमाग शीतल हो जाता है। सीताफल का नित्य सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और उल्टियां आना भी बंद हो जाता है। दांतों और मसूड़ों का दर्द शांत होता है। इसके अलावा ये आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग गठिया से पीड़ित है, ऐसे लोगों को सीताफल का नित्य सेवन करना चाहिए। सीताफल के नित्य सेवन करने से गठिया में बहुत फायदा मिलता है। सीताफल में सोडियम और पोटेशियम होने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और शुगर को भी ये नियंत्रण में रखता है। सीताफल जल्दी ही पच जाता है, इसलिए अल्सर और एसिडिटी में भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा सीताफल के वृक्ष के मूल को पानी में घिसकर पिलाने से मूत्रगात मिटती है, अर्थात बंद हुआ पेशाब खुलकर आता है। कुल मिलाकर सीताफल अनेक रोगों का इलाज करता है और बीमारियां आपको छू नहीं सकेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।